आज से सत्रह अधिवेशन का चौथा दिन है और महाराष्ट्र राज्य गांव कामगार पुलिस पार्टी संघ की ओर से यहां पर मोर्चा खोल दिया गया है। जान रहे हैं मोर्चे पर क्या बात है, क्या बहुत सालों से मांग चालू है। पहला मानदान हमारा 3,000 रुपये था, बाद में 6,500 रुपये हो गए, बस इसके बाद उन्होंने बढ़ाया नहीं, शासन ने कुछ बढ़ाया नहीं। हमारी विनती है शासन से जो हमारी मांगे पूरी करें। क्या कहना चाहोगे कि सत्ता परिवर्तन हो गया महाराष्ट्र में तो सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, ये सरकार क्या मांगे पूरी करेगी? सरकार से आशा है, पिछले सरकार से आशा नहीं लग रही थी, कोरोना भी आ गया था, लेकिन अब ये सरकार आया है तो हमारी आशा प्रलंबित हो गई है कि ये सरकार हमारा कुछ मानेगी और हमें कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्या रुक रहेगा आपका, क्या भूमिका रहेगी आगे की अगर आपकी मांग? देखिए सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती तो पुलिस को जो गाँव का काम का पद है और उनके हाथों में गाँव की जिम्मेदारी है और गाँव के लोग पुलिस को मानते हैं। अगर सरकार उनकी सत्ता पे जो आने वाली सत्ता है इलेक्शन होते हैं तो उनसे उनका उनके ऊपर बहुत बड़ा असर मिलेगा हमारे संगठन के चेतावनी उन्होंने दी है।